हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स को लेकर मैंने टॉप 50 की दो वीडियो ऑलरेडी बना दी है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन तो इससे पक्के आ जाएंगे, तो देख लेना उसे। और अगर आपको पार्ट 3 चाहिए उसका तो नीचे कमेंट पार्ट 3 कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना दूँ। जिन्हें जिन्हें वीडियो देखना हो ना, कमेंट करके आप बता देना। तो चलिए बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 की। क्या इसमें जो है न्यू अपडेट आई हुई है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस स्लाइड पर। यहाँ से देख लो आप, प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया है गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 को, और ये जो है गांधीनगर स्टेशन पे किया गया है। मैंने आपको बार बार कहा है, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन है, तो मोदी जी नए योजनाओं को जो फ्लैग ऑफ करेंगे तो देखना, सबसे ज़्यादा जो 80% योजनाएँ हैं आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। अगर कोई भी एग्ज़ाम आए तो देखना, आप अगर ऑप्शन ए या बी में से कोई एक दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में अगर फंस रहे हो तो गुजरात वाले के साथ जाने की कोशिश करना, आपका सही होगा। तो फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, आपको आंसर इसका जो है नीचे कमेंट करके बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिवर मेंशन्ड रिप्रेजेंट द कलर्स ब्लू एंड व्हाइट। ब्लू और व्हाइट कलर से किस को रिप्रेजेंट किया जाता है, गंगा को, नील को, दुआमे को या फिर यंगजेड को? तो नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप जरूर बताएं, और रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दें आप। आगे बढ़ते हैं और वंदे भारत के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, पहला जो वंदे भारत ट्रेन था वो मैन्युफैक्चर किया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई के द्वारा। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम का पार्ट था, इनिशिएटिव का पार्ट था, और इसकी जो कॉस्ट थी वो 100 करोड़ रुपीज़ आई थी। बहुत फास्ट ये ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन से तो कम ही चलती है, बट कोई बात नहीं, हमारे देश में सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन ये है। और ये स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आर के स्पीड से चल सकती है, तो ये अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं, आगे कुछ और चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से देख लीजिए, मिड डे मील स्कीम PM पोषण स्कीम के बारे में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, आप मेरे हैंड रिटन नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। आर्मी स्कूल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, और आखिरी के समय में ये आपके लिए रामबाण होंगे। 150 में आप ये मुझसे परचेज कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsing पे। तो मिड डे मील स्कीम के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ अप्रूव्ड अ हाइक ऑफ 9.6% कुकिंग कॉस्ट पर चाइल्ड अंडर द मिड डे मील स्कीम। यानी कि अब बच्चों को और अच्छे से न्यूट्रिशन वाले फूड यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि अब जो है पैसे को बढ़ा दिया गया है। ये स्कीम देखिए, पर बच्चे के लिए 5 रुपये के करीब जो है दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 7 रुपये 45 पैसे कर दिया गया है। अच्छी बात है। 1 to 5 की बात की जा रही है, 4 रुपये 97 पैसे, और क्लासिक जो 6 to 8 होते हैं उसमें 7 रुपये 45 पैसे, अब इसे बढ़ाकर 5 रुपये 45 पैसे और 8 रुपये 17 पैसे रिस्पेक्टिवली 1 to 5 और 6 to 8 की बात हो रही है। तो अच्छी बात है, ये स्कीम में बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए मिड डे मील ना सीधे सीधे टीचरों से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल से जुड़ा हुआ है, तो एग्ज़ाम में आने के चांस बनते हैं। और यहाँ से देख लीजिए, द सागरमाथा नॉन टुडे इज, सागरमाथा को जो है आज आप किस रूप में जानते हो, किस नाम से जानते हो, नीचे कमेंट करके ये भी आंसर आप लोग बता देना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वो वाला 1 था। एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा वीडियो के अंत में। यहाँ से देख लीजिए, मिड डे मील जो है ना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, और ये लॉन्च कब किया गया था, 1995 में। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सो बी केयरफुल अबाउट दिट। इसके बाद देखिए, इसका जो नाम है ना 2021 में बदल दिया गया था, रीनेम कर दिया गया था, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के द्वारा। एक्चुअली ये मिड डे मील था जिसका नाम, एक्चुअली अभी भी हम लोग मिड डे मील ही बोलते हैं, क्योंकि इतना पॉपुलर ये स्कीम हुआ था कि मिड डे मील के नाम से ये जाना जाता है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क विल बी बिल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सफारी पार्क कहाँ बनेगा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या उत्तराखंड? देखिए मेरी यहाँ सलाह आप काम में मत लाना, यहाँ पे आंसर होगा हरियाणा। अब आप बोलोगे कि इलेक्शन के टाइम में तो आपने कहा था गुजरात पे, देखिए कुछ आप एक्सेप्शन तो होंगे ही, यहाँ पे याद रखिएगा, हरियाणा में वर्ल्ड का जो है सबसे लार्जेस्ट सफारी पार्क बनाया जाएगा। यहाँ से आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हो, यहाँ से देख लीजिए, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की फ़ोटो यहाँ पे है। और एरिया जो है ना ये पार्क की, फरवरी 2022 में खुल जाएगी, और ये 2000 एकड़ की एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफर पीरियड प्रोडक्ट फॉर फ्री, तो स्कॉटलैंड ये करने वाला है।
विच टीम ऑफ इंडियन आर्मी हैज़ प्रिपेयर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल कैमल ग्रूमिंग टीम। तो बॉर्डर सिक्योरिटी BSF, ये भी मैंने करंट अफेयर्स में आप लोगों को पढ़ाया था कि इसमें जो है ना महिलाओं के लिए जो पेट्रोलिंग होती है, महिलाएं भी पेट्रोलिंग करेगी और कैमल पे बैठकर वो पेट्रोलिंग क्या करेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैज़ बीन गिवेन द चेंज मेकर अवार्ड 2022? सृष्टि बख्शी को, प्रियंका दुग्गल को, बबीता सिंह या किरण शर्मा को ये अवार्ड मिला है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, सृष्टि बख्शी को ये अवार्ड मिला है गेम चेंजर के लिए। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए अगर कोई चेहरा हो सकता है तो इस तरह की महिलाओं को आगे आना होगा। एक्चुअली बिना इस तरह के स्कीम से भी महिलाएं आगे बढ़ जाएगी अगर ऐसी महिलाएं समाज में प्रेरणा स्रोत बन सके तो। यहां से देख लीजिए कुछ और चीज़ें हैं इनके बारे में। इन्होंने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर जो है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है अवार्ड इनको मिला है। बहुत अच्छी बात है, इस तरह की चीज़ों को लेकर महिलाएं अवेयर है, दैट्स प्रिटी गुड। यहां से देख लीजिए स्वाति परिमल हैज़ बीन अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? तो देखिए फ्रांस ने स्वाति पिरामल या फिर परिमल जो भी बोलो उनको अवार्ड दिया गया है फ्रांस के द्वारा। आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 विच फिल्म हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड? तो पुष्पा द राइज, और आपने वो डायलॉग वगैरह भी सुन रखे होंगे, नीचे कमेंट करके आप लोग बता देना पुष्पा मूवी जो है उसके एक्टर कौन है, नीचे कमेंट करके उनका नाम आप बता देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट्स पुलामपारा हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन इंडिया? फुल्ली डिजिटली लिटरेट पंचायत की बात हो रही है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, उत्तर प्रदेश में या केरला में? तो देखिए हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे और सोचते थे कि केरला में तो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसका आंसर भी केरला से ही आएगा। केरला इज द राइट आंसर, आपको केरला के साथ जाना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूज कमीशंस हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल सेटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इन कोलाब्रेशन विथ? तो देखिए ये जो है ना लॉन्च किया गया है, देखिए इंडिया ना बहुत ही चीप रेट पे सेटेलाइट लॉन्च करता है जिसके कारण अदर जो भी कंट्री खुद से सेटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाती है वो इसरो के पास आती है, नासा के पास नहीं जाती है, क्योंकि इसरो जो है ना कॉस्ट इफेक्टिंग जो है प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि मेरे नोट्स कॉस्ट इफेक्टिंग है, कम समय में कम पैसे लगाकर आप जो है तैयारी अच्छे कर सकते हो। यहाँ से देख लीजिए नीचे और भी एक चीज़ है। इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड? केरला में, याद रखिएगा केरला में जो है पहली बार फुल्ली डिजिटली पंचायत की बात की जा रही है, ग्राम पंचायत की बात की जा रही है, तो केरला में ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस भी स्टार्ट कर दी गई है। और मैंने ये ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं केरला गया हूँ और वहाँ पे जो है आप तुरंत निकलो और आपको टैक्सी मिल जाएगी, ऑनलाइन आप कर सकते हो ये चीज़ें। विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 इमर्जिंग लीडर्स रिलीज्ड बाय टाइम मैगजीन? टाइम मैगजीन ने जो 100 इमर्जिंग लीडर्स को रिलीज करा है उसमें किन का नाम है? भाव्या बिश्नोई का, आकाश अंबानी, हार्दिक पटेल या अजीत पवार का, पार्थ अजीत पवार का? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी के ये बेटे हैं, इनका नाम यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। एक्चुअली ये क्या है, ये जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनली फैंस के। आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन जूलॉजिकल पार्क टॉप्ड इन द रिसेंट रैंकिंग ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी? यानी कि कौन इंडियन जोग्लिफल पार्क जो है इसको टॉप किया है? तो देखिए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है जिसने इसको टॉप किया है, पूरे भारत में जो है टॉप इसने कर लिया है। हु हैज़ टॉप्ड द रिलीज्ड ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022? तो वियतनाम ने इसे किया है। वियतनाम में ना क्रिप्टो पे आप जो है सब्जी वगैरह भी खरीदने जाओगे तो क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हो। और अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया? देखिए इसका मतलब क्या है ना कि आप एड बनाकर कुछ भी नहीं बेच सकते हो, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि ये फलाना क्रीम लगा लो आप गोरे हो जाओगे दो दिनों में, या फिर ये एक प्रोडक्ट है ये, या फिर ये टैबलेट है इसे खाओगे तो आपकी जो हाइट है वो तुरंत जो है रैपिडली बढ़ जाएगी। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट पर लगाम लगाने के लिए कौन है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके चेयरपर्सन कौन है नाम बताना है आपको? शांतिलाल जैन, अमिताभ चौधरी, NS रंजन या रोमन? देखिए इसका जो राइट आंसर है ना ये देख लो, NS रंजन। यहाँ से आपको इनकी जो है इमेज भी मैं दिखा देता हूँ, ये है NS रंजन और इनको जो है बनाया गया है डायरेक्टर, याद रखिएगा। और कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं इससे रिलेटेड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ महानगर गैस लिमिटेड? तो महेश भी अय्यर को बनाया गया है इसका चेयरमैन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड? दिनेश कुमार बत्रा को बनाया गया है।
और ये रहा तीसरा क्वेश्चन, नीचे कमेंट करके 3 लिखकर आप आंसर लिख देना। इस तरह से आपको बताना है द टर्म्स स्टोकेस्टिकल एंड डिस्टोकेस्टिकल आर यूज्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये जो है आपको नीचे कमेंट करके इसका बता देना है राइट आंसर क्या होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको 150 में मिल रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद सकते हो आप। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।